हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा बारिश की मौसम में सोलर पैनल काम करेगा या नहीं, ये आज टेस्ट करने वाला हूँ इस वीडियो पर। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, अभी भी बादल छाया हुआ है पूरे आसमान पर, आप देख पा रहे हो। तो अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ दोस्तों, ये जो सोलर पैनल आप देख पा रहे हो मेरे पास 150 वाट की सोलर पैनल है, ये क्या काम करेगा बारिश के मौसम में काम करेगा या नहीं। ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है दोस्तों, पॉलीक्रिस्टलाइन नहीं। पॉलीक्रिस्टलाइन मुझे पता है दोस्तों, थोड़ी सी धूप मिलती है दोस्तों काम नहीं करता है, अच्छी धूप चाहिए पॉलीक्रिस्टलाइन के लिए। लेकिन ये मोनोक्रिस्टलाइन ये भी काम करेगा या नहीं, तो यही आज टेस्ट करने वाला है। तो चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले आपका छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हो ये रहा सोलर पैनल। दोस्तों मैं डायरेक्ट चलाऊंगा, बैटरी और कंट्रोलर का यूज नहीं करूंगा, नहीं तो दोस्तों आप बोलोगे बैटरी से दोस्तों ये लाइट जो भी चलाऊंगा वो भी चलेगा बैटरी से, ठीक है ना। इसलिए बैटरी का यूज नहीं करूंगा, डायरेक्ट एक कन्वर्टर आप देख पा रहे हो इसके जरिए आपको दिखाऊंगा ये लाइट वगैरह जलता है या नहीं, मोबाइल चार्ज होता है या नहीं, ये आज टेस्ट करने वाला हूँ, और कितना वोल्ट और कितना एम्पीयर देता है अभी। तो चलिए सबसे पहले आपको वोल्टेज और एम्पीयर चेक करके दिखाता हूँ। तो ये रखा दिया मैंने वोल्टेज पर, चलिए आपको दिखाता हूँ कितना वोल्ट अभी दे रहा है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों 20 वोल्ट दे रहा है, 20.78 ऐसा दे रहा है, ठीक है ना। और अभी चलिए एम्पीयर आपको चेक करके दिखाता हूँ। सो कर देता हूँ बंद। तो चलिए अभी एम्पीयर देखते हैं कितना दे पाती है एम्पीयर। तो एम्पीयर देख पा रहे हो दोस्तों 1.2 एम्पीयर की तरफ दे रहा है, मतलब ज़्यादा एम्पीयर नहीं है, ठीक है ना। अगर अच्छी धूप होती है तो 7 से 8 एम्पीयर देता है दोनों मिलाकर, ठीक है ना। एक बार वो 1.8 मतलब 2 एम्पीयर के आसपास ही दे रहा है, आप देख पा रहे हो। तो चलिए आप देखते हैं क्या क्या चलता है, डायरेक्ट मैं कन्वर्टर से चलाऊंगा। दोस्तों आप देखिए इसको मैंने लगा दिया, देख रहे हो कलेक्शन भी कर दिया। अब चलिए इसको ऑन करके देखते हैं जल पाएगा या नहीं। तो देख पा रहे हो दोस्तों ये डायरेक्ट जल रही है आराम से। ये कितनी वाट की लाइट है, ये 9 वाट की लाइट है दोस्तों, 9 वाट की, ठीक है ना। आराम से जल रही है दोस्तों, डायरेक्ट आप देख पा रहे हो ठीक ठाक जल रही है। और अभी आपको धूप दिखा देता हूँ, चलिए देखते रहो, देख पा रहे हो आप, बिल्कुल भी धूप नहीं है, थोड़ा सा भी धूप निकला नहीं, आसमान पर पूरा बादल छाया हुआ है, आप देख पा रहे हो ये चल रहा है, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं चला रहा हूँ देख पा रहे हो सोलर पैनल से, और धूप बिल्कुल भी नहीं निकला है, आप देख पा रहे हो थोड़ा सा भी धूप नहीं है, देख लो आसमान पर पूरा बादल छाया हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब ये पॉलीक्रिस्टलाइन होता तो नहीं चलता दोस्तों, इसलिए मोनोक्रिस्टलाइन मैंने लिया, मोनोक्रिस्टलाइन फिर भी चल रहा है। और चलिए बड़े लाइट को जलाकर देखते हैं, ये देख पा रहे हो ये 18 वाट की लाइट है बड़े लाइट, इसको भी चलाकर आपको दिखाता हूँ ये चल पाएगा या नहीं। तो चलिए मैं इसको खोल के पहले बंद कर देता हूँ, फिर तो बड़े वाले लाइट को लगा देता हूँ। तो चलिए अभी करता हूँ ऑन, देख पा रहे हो दोस्तों 18 वाट की भी लाइट जल रही है, लेकिन रोशनी आप देख पा रहे हो उतना ज़्यादा नहीं नहीं है दोस्तों, देख पा रहे हो मतलब जल रही है लेकिन रोशनी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, फिर भी जल रही है डायरेक्ट। अब देखो ये 100 वाट की कन्वर्टर है, और अभी चलिए मोबाइल चार्ज करके देखते हैं, देख पा रहे हो आप, ठीक है ना, धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी चलिए मोबाइल को चार्ज करके देखते हैं, ठीक है ना। ये रहा चार्जर मैंने लगा दिया, मोबाइल को भी लगा देता हूँ, और चार्ज हो पाएगा या नहीं। तो चलिए मैं कर देता हूँ इसको ऑन। तो ये देख पा रहे हो दोस्तों ये चार्जिंग भी होना भी शुरू हो चुका है, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, आधे चार्जिंग होना भी शुरू हो चुका है, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं है फिर भी ये चार्ज हो रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, लाइट जल रहा है, आराम से जल रही है, आप देख पा रहे हो चार्जिंग अभी भी हो रहा है चार्जिंग, मतलब कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। डायरेक्ट आप मोबाइल भी चार्ज करते हो कर सकते हो, और लाइट भी जला सकते हो, और पंखा चलता है या नहीं डायरेक्ट वो भी आपको चला कर दिखाता हूँ। देख पा रहे हो आप धूप धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मोबाइल भी चार्ज हो रहा है और लाइट भी जल रहा है, ठीक है ना। तो अभी चलिए मोबाइल को चार्ज भी एक साथ करते हैं और लाइट भी एक साथ जलाते हैं, एक साथ जल पाएगा या नहीं वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी चलिए मैं लाइट और चार्जर को एक साथ ऑन करता हूँ, ठीक है ना। देख पा रहे हो इस तरह से लगा दिया इस बोर्ड को, अब चलिए करता हूँ ऑन, देख पा रहे हो ऑन हो चुका है। अब लाइट को ऑन करता हूँ, देख पा रहे हो लाइट जल रहा है, अब चलिए मोबाइल चार्ज को ऑन करता हूँ, चार्ज होगा या नहीं, देख पा रहे हो तो चार्ज भी हो रहा है दोस्तों और लाइट भी एक साथ जल रही है, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे से आप देखो, धूप बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, आपकी आँखों के सामने सब कुछ हो रहा है, फेक मत बताना, ठीक है ना, आपके साथ सब मैं कर रहा हूँ आपके सामने ही, देख पा रहे हो धूप बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस बड़े वाला लाइट को जला कर देखते, ये 18 वाट की लाइट को, चलिए मैं इसको बंद करके खोल देता हूँ। तो अभी चलिए करते हैं ऑन। तो देख पा रहे हो दोस्तों ये भी जल रहा है, लेकिन डिस्टर्ब हो रही है, देख पा रहे हो आप, ठीक है ना, मतलब उतना ज़्यादा लोड नहीं ले पा रही है, लेकिन छोटे वाला लाइट आराम से जल रही है, डिस्टर्ब हो रही है, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। मतलब छोटे लाइट चार्जर जो भी आप चलाना चाहते हो डायरेक्ट चला पाओगे, धूप रहे या ना रहे फिर भी आप चलेगा, ठीक है ना। मोनोक्रिस्टलाइन लेने का यही एक फ़ायदा है,
और पॉलीक्रिस्टलाइन होता तो ये बिल्कुल भी नहीं चलता। तो चलिए आप डायरेक्ट मेरे पास जो डीसी फैन है वो चलेगा या नहीं वो भी आपको चलाकर दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों ये जो मेरे पास डीसी वोल्ट का फैन आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट चलाकर आपको दिखाता हूँ। ये छोटे वाला फैन को पहले चलाता हूँ, चलिए मैं इसको लगा देता हूँ ठीक से पहले। तो देख पा रहे हो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से स्पीड से घूम रहा है दोस्तों, देख पा रहे हो आप, मतलब इसका स्पीड काफ़ी अच्छा है, डायरेक्ट चल रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं रहे, देख पा रहे हो आप, धूप नहीं है फिर भी ये चल रहा है। और बड़े वाले फैन को चला कर देखते हैं, अभी बड़े वाले फैन को लगा देता हूँ। उल्टी तरफ घूम रहा है, ठीक से लगा देता हूँ। तो देख पा रहे हो दोस्तों ये फैन घूम रहा है लेकिन स्पीड उतना ज़्यादा नहीं दे पा रही है बड़े वाला फैन, ठीक है ना, जितना स्पीड देती है उतना स्पीड नहीं दे पा रही है, धूप नहीं है बिल्कुल, उतना ज़्यादा स्पीड नहीं दे पा रही है, लेकिन बिल्कुल भी फिर भी चल रहा है यही बस, ठीक है ना, मतलब चल रहा है, मतलब मोबाइल लाइट जो भी आप चलाना, मोबाइल चार्ज लाइट वगैरह जलता है, लेकिन ये फैन दोस्तों ज़्यादा स्पीड से नहीं घूमेगा। ये छोटे वाला फैन घूम रहा है फिर भी, लेकिन डायरेक्ट नहीं चलाना चाहिए, बहुत सी वीडियो में भी आपको बोल चुका हूँ डायरेक्ट नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो मोटर फैन ख़राब हो सकती है, ठीक है ना। तो कंट्रोलर और बैटरी का यूज़ ज़रूर करें। तो दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो पर दिखाया फैन लाइट वगैरह जो भी है चल रहा है दोस्तों, धूप बिल्कुल भी नहीं है फिर भी चल रहा है, बादल आसमान पर पूरा बादल छाया हुआ है फिर भी ये सोलर पैनल काम कर रही है, 150 वाट के दोनों मिलकर सोलर पैनल है, दोनों के मिलकर आपको चलाकर दिखाया। और दोस्तों और एक वीडियो बनाऊंगा जब बहुत जोर से बारिश होगी तब क्या सोलर पैनल काम करेगा, उसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा। तो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो वीडियो बाद इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।